हाय फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फ्रेंड्स अपडेट्स में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आधार कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव के बारे में आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है तो बने रहिए वीडियो पे अंत तक हमारे साथ ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें दोस्तों सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है जानकारी के मुताबिक अब आधार कार्ड में लगाए गए दस्तावेजों को 10 दस साल बाद अपडेट कराना होगा इसका मतलब है कि आधार संख्या जनरेट कराते वक्त या आधार कार्ड बनवाते वक्त जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना जरूरी है इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संबंधित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित होगी आधार कार्ड होल्डर आधार के नामांकन की तारीख से हर दस साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं आइए अब आपको बताते हैं कि आप ये आधार अपडेशन कहाँ से करा सकते हैं माई आधार पोर्टल और माई आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपडेशन किया जा सकता है आधार नामांकन केंद्र पर भी ये सुविधा उपलब्ध है तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का अपडेट आपको पसंद आया होगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी दुविधा है तो आप वो कमेंट बॉक्स पे हमें पूछ सकते हैं